हर महीने पेंशन मिले इसकी योजना भी ये चौकीदार बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आपने ईश्रम कार्ड बनवा रखा है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, जो कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं। तो ईश्रम कार्ड अगर आपके परिवार में से किसी ने बनाया है या फिर आपके रिश्तेदार ने किसी ने बनाया है ईश्रम कार्ड, तो उन सभी तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दो महीने के लंबे इंतज़ार के बाद अब ईश्रम पोर्टल पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि ईश्रम कार्ड मार्च के आखिरी तारीख तक ही बनेगा, उसके बाद से ईश्रम कार्ड बनवाना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ईश्रम पोर्टल पर इस साल की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त करके अब इन पूरे सालों में ईश्रम पोर्टल के सभी धारकों के खाते में 8,000 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी, और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन सभी के खाते में 12,000 रुपए की धनराशि देने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अगर सिंगल मदर है या फिर कोई तलाकशुदा महिला है तो उसके खाते में 15,000 रुपए की धनराशि पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, ईश्रम पोर्टल पर यह बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। अगर आप रोजगार करते हैं या फिर आप कहीं काम करते हैं तो ऐसे में आपके खाते में 8,000 रुपए की धनराशि हर महीने पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो इसी महीने की आखिरी तारीख से कर दी जाएगी। दोस्तों, ईश्रम कार्ड को लेकर यह बड़ी खबर सुनकर आपको कैसा लगा, कॉमेंट के जरिए अपनी राय शेयर कीजिए। और साथ ही जिन भी लोगों को ईश्रम पोर्टल पर पहली किस्त अभी तक नहीं मिल पाई है वो अपना नाम और साथ ही अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे वो ईश्रम कार्ड को लेकर या फिर अन्य किसी भी सरकारी योजना को लेकर। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।